पावर ऑफ अकोमोडेशन। पावर ऑफ अकोमोडेशन एक्चुअली ये समझाता है कि अगर मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट का पोजीशन अगर बार बार चेंज करे, यानी कि ऑब्जेक्ट का कभी डिस्टेंस आपके आंखों से काफी दूर हो जाए या काफी नजदीक, एडजस्टमेंट ऑफ फोकल लेंथ की जो एबिलिटी है उसको हम कहा करते हैं अकोमोडेशन। जैसे कि इस फिगर में भी देख सकते हैं आप कि अभी यहाँ पर ऑब्जेक्ट बहुत दूर पर है और ये आपका है लेंस। तो ये लेंस क्या करता है, इस ऑब्जेक्ट का इमेज रेटिना पे बना रहा है। अब ऑब्जेक्ट क्या हुआ, बहुत ही नजदीक आ गया, तो भी देखिए लेंस का जो शेप आप देख रहे थोड़ा चेंज हो गया। यहाँ पे काफी पतला था और यहाँ पे देखिए थोड़ा सा वाइडर हो गया। तो यहाँ पर लेंस ने अपना क्या किया, शेप को चेंज किया। या हम इसको फिजिकल के टर्मोलॉजी बातें अगर हम लोग करें, टेक्निकल बातें करें, तो यहाँ पर लेंस क्या कर रहा है, अपने फोकल लेंथ को एडजस्ट कर रहा है। ये फोकल लेंथ को क्यों एडजस्ट कर रहा है, ताकि रेटिना पर उस ऑब्जेक्ट का इमेज परफेक्टली बन सके, चाहे वो ऑब्जेक्ट दूर पर हो या नजदीक पर हो, या ऑब्जेक्ट की पोजीशन बदल रही हो, तो फोकल लेंथ भी अपने आप एडजस्ट होता रहेगा, जो कि लेंस का काम होगा। लेकिन सबसे बड़ा अब सवाल ये आता है कि जो आपका लेंस है, उस लेंस के फोकल लेंथ को एडजस्ट करने में मदद कौन कर रहा है, तो एक्चुअली वो होता है सिलरी मसल्स। यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है ये सिलरी मसल्स होते हैं, और यही सिलरी मसल्स क्या करते हैं, जो लेंस है उसके फोकल लेंथ को चेंज करने में मदद करते हैं। अब जब फोकल लेंथ एडजस्ट होता है तो जो लेंस का शेप है वो कभी थिनर हो जाता है, कभी थिकर हो जाता है। ऐसा कब और कैसे होगा वो थोड़ा देख लें। देखिए अगर सिलरी मसल्स रिलैक्स हो जाए,
मैक्सिलरी मसल्स क्या हो जाए, रिलैक्स हो जाए। तो अगर वो रिलैक्स पोजीशन पे आ जाता है तो जो लेंस का जो है वो लेंस क्या हो जाएगा, थिन हो जाएगा। रिलैक्स्ड होगा तो क्या होगा, थिन हो जाया करेगा। और जो फोकल लेंथ है वो इंक्रीज कर जाएगा। और अगर सिलरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो गए तो लेंस कैसा हो जाएगा, थिक हो जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। और फोकल लेंथ क्या होगा, डिक्रीज हो जाया करेगा। तो अब हम देखेंगे कि जितना आप नज़दीक, जितना क्लोज आप देख सकते हैं बिना आपके आंखों में स्ट्रेस पैदा किए, तो जब बिना आपके आंखों में स्ट्रेस पैदा हुए जितना क्लोजली आप देख सकते हैं उसे हम कहा करते हैं नियर पॉइंट ऑफ द आई या लीस्ट डिस्टेंस ऑफ द डिस्टिंक्ट विजन बोला करते हैं। जितना मिनिमम डिस्टेंस पर आप अपने आंखों में बिना स्ट्रेस क्रिएट किए देख सकते हैं उसी को हम नियर पॉइंट ऑफ द आई बोला करते हैं। तो आप हार्डली कितना नज़दीक ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं, कितने नज़दीक से देख सकते हैं, तो जो एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन होता है वो हार्डली 25 सेंटीमीटर अपने आंखों से नज़दीक जो भी ऑब्जेक्ट है देख सकता है। ओनली फॉर 25 सेंटीमीटर तक ही हार्डली आप नज़दीक से देख सकते हैं। उससे ज़्यादा नज़दीक कीजिएगा, यानी कि अगर आप 8 सेंटीमीटर कर देते हैं, 5 सेंटीमीटर कर देते हैं, तो आपके आंखों में स्ट्रेस क्रिएट हो जाएगा। फिर हम कितना दूर तक देख सकते हैं, तो हमारी दूर देखने की जो क्षमता है वो इन्फिनिटी तक है, यानी कि हम बहुत ही ज़्यादा दूरी तक क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, इन्फिनाइट दूरी तक हम देख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे देखा कि हम हार्डली कितना क्लोज देख सकते हैं 25 सेंटीमीटर, और हार्डली हम कितना ज़्यादा डिस्टेंस ऑब्जेक्ट तक देख सकते हैं, तो इन्फिनाइट डिस्टेंस तक हम देख सकते हैं। और ये वही देख सकते हैं जो एक हेल्दी पर्सन है, एक नॉर्मल एडल्ट ह्यूमन आई का होता है।